चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एसके सिंह बुक का 2018 टू 2019 एडिशन का है। बहुत ही इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है एनपीओ का बहुत ही इजी है। हाँ चलिए बनाते हैं। सबसे पहला आइटम है, पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। देखिए पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब रांची फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2016। पहला आइटम है कैश, जो कि एक जनवरी 2016, मतलब ये करंट ईयर है। और फिर सब्सक्रिप्शन है, पैसिफिक डोनेशन है, एंट्रेंस फी है, रेंट ऑफ क्लब हॉल है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सैलरी, ये सब आइटम मैं पीछे लिखा चुकी हूँ। बस आपको देख देख के पुट करना है कि कौन इनकम के साइड जाए, आई मीन कौन डेबिट साइड जाएगा और कौन क्रेडिट, मतलब कौन इनकम और एक्सपेंडिचर के साइड जाएगा बस। मगर यहाँ नोट करने की बात है, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसमें हम लोग को चूज करके लिखना है कौन सा आइटम रिसिप्ट में जाएगा, कौन सा आइटम पेमेंट में जाएगा, और उसके बाद बैलेंस फिगर करना है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम लोग। पहला आइटम है कैश, कैश रिसिप्ट का आइटम है, पीछे आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोले थे टू बैलेंस, BD भी लिख सकते हैं, बैलेंस BD कितना है, बस 9800, बहुत ही बस लिख देना है। और यहाँ 100 के बाद आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट का आइटम है, और यहाँ पे 2 लिखना भी ज़रूरी है। तो 2 75,000, उसके बाद पैसिफिक डोनेशन, ये भी यहाँ पे होगा 16,000, उसके बाद होगा एंट्रेंस फी। पीछे मैंने जो बनाया है उसमें देखिए कौन सा आइटम रिसीप्ट में गया है, कौन सा आइटम पेमेंट में गया, बस देख के पुट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। उसके बाद है रेंट ऑफ क्लब हॉल, उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो चार्जेस खर्चा, और पेमेंट मीन्स लग ही रहा है खर्चा, खर्चा मीन्स एक्सपेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कोई भी एक्सपेंस होगा ना तो वो पेमेंट की साइड जाएगा। ये एक शॉर्टकट ट्रिक आपको समझने के लिए, कोई भी एक्सपेंस रहा आप देखिए और वो पेमेंट के साइड जाएगा, जो पेमेंट के साइड जाएगा वो एक्सपेंडिचर के तरफ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि एक्सपेंडिचर खर्चा है। तो आपको इसका अपोजिट, जो रिसिप्ट में है वो इनकम में जाएगा और जो पेमेंट में है वो एक्सपेंडिचर में जाएगा। अभी बताऊंगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं। बहुत ही ईजी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देखिए बस पुट करना है भाई। सैलरी एंड वेजेस 45,000, न्यूज़पेपर 2,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक, ये मैं इधर लिखा ही हूँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक रिसिप्ट का आइटम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म भी आप इसे लिख सकते हैं, बैंक डिपॉजिट, डिपॉजिट कर रहा है तो ये हम लोग को फायदा है, तो ये इनकम है 1,000। फिर फर्नीचर परचेस, परचेस करना खरीदना, मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो वह पेमेंट की तरफ जाएगा। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस का भी आप शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, मगर आप फुल फॉर्म यूज़ करिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10,000। हाँ अब हम लोग को देखना है, ये हम लोग इसे पूरा जितना भी आइटम था सबको लिख दी हुई, जो जो रिसिप्ट का आइटम था रिसिप्ट में, जो पेमेंट का आइटम था पेमेंट में। अब इसमें हम लोग देखना है कि डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट, यहाँ पे हम लोग का अमाउंट डेबिट ज़्यादा है,
आप ऐड करके देखिएगा, यहाँ पे दिखने से देखिए ज़्यादा है डेबिट और क्रेडिट कम है, तो बताए थे डेबिट ज़्यादा हुआ क्रेडिट कम हुआ तो इधर बैलेंस फिगर होगा, क्रेडिट ज़्यादा हुआ डेबिट कम हुआ तो यहाँ पे, तो यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट को क्रेडिट में माइनस करेंगे, डेबिट है टोटल 1 2 1। अब डेबिट के आइटम से क्रेडिट के आइटम को हम माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे बैलेंस फिगर आ जाएगा, ये बाय बैलेंस CD कहेंगे 50100, ये हम लोग का बैलेंस में जगह नहीं था, आप एक लाइन में लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी भी बहुत इजी है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर टेकन फ्रॉम कैश बुक ऑफ हेल्थ क्लब प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें भी हम लोग को प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहले ओपनिंग बैलेंस दे दिया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, परचेज, रेंट पेड, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज, ये सब आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा कौन किधर आइटम जाएगा, बहुत ईजी है। चलिए इसको बस पुट करते हैं। सबसे पहला है ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। हम लोग बताए थे कि कैश इन हैंड कैश इन बैंक रिसिप्ट का आइटम है, तो हम लोग यहाँ पे टू करके लिखेंगे, टू कैश इन हैंड 5000, टू कैश एट बैंक 25000, टू सब्सक्रिप्शन, टू डोनेशन, फिर अब हम लोग पेमेंट का आइटम को लिखते हैं बाई इन्वेस्टमेंट परचेज, कोई भी आइटम परचेज हो रहा है वो तो पेमेंट है, 80000, बाई रेंट पेड 20000, बाई जनरल एक्सपेंसेस, बाई पोस्टनरी, बाई कोरियर चार्जेस, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस, बाई थाउजेंड। अब हमने क्वेश्चन में पुट कर दी, अब हमको देखना है कि कौन साइड ज़्यादा है कौन साइड कम है। तो इसमें हम लोग का डेबिट साइड ज़्यादा है क्योंकि देखिए 1,65,000, यहाँ पे क्रेडिट साइड कम है, तो हम लोग वही करेंगे डेबिट को क्रेडिट से माइनस करके यहाँ पे बैलेंस फिगर लिख देंगे। अगर क्रेडिट ज़्यादा रहता तो हम लोग बैलेंस फिगर इधर दिखाते, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई प्लस करते हैं, प्लस करने पे आया हमारा उसमें डेबिट का आइटम अमाउंट को हम लोग क्रेडिट के अमाउंट से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस फिगर आएगा 91,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी कंप्लीट। चलिए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का सी बनाते हैं। अब 1 का सी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स ऑफ लाइब्रेरी। ऑन 1 जनवरी 2015 कैश बैलेंस, एंट्री फी ड्यूरिंग 2015 500, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2015। एंड यहाँ पे दो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, पहला सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है 2015 का मतलब करेंट ईयर का, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव ऑफ 2014 इन 2015 ऑफ 100। जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव्ड हो रहा है 2014 का 2015 में रिसीव किया गया, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव 2014 में रिसीव कर लिया गया सब्सक्रिप्शन 2015 का, मतलब ये एडवांस एडवांस पैसा हो गया, पहले ही रिसीव कर लिया गया 100 रुपया। सब रेंट पेड इन 2015, बुक परचेज, मैगजीन, न्यूज़पेपर परचेज, सन्ड्री एक्सपेंस एंड सैलरीज, प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 2015। तो इसमें हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहला आइटम है कैश, तो कैश आपको याद हो गया होगा कैश रिसिप्ट का आइटम है, टू कैश बैलेंस 3000, टू फी 500, पहले सब्सक्रिप्शन। अगर हम लोग यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो अलग तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, मगर अभी हम लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का आइटम यहाँ पे लिख देंगे,
दो दो सब्सक्रिप्शन है बुक में, वही के लिए हम लोग क्वेश्चन में, वही के लिए हम लोग यहाँ पे दो सब्सक्रिप्शन लिख रहे हैं। अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते तो हम सब्सक्रिप्शन को माइनस करना पड़ता। अब पेमेंट का अमाउंट हम लोग लिखेंगे बाई रेंट पेड 50 बाई 1000 बाई बाई 10 बाई 10 बाई। तो ये हमारा अमाउंट हो गया। यहाँ पे डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, तो बैलेंस फिगर हम लोग का क्रेडिट साइड होगा बाई, तो हमारा बैलेंस फिगर आएगा 2830। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड नेवर फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज शेयर लाइक एंड कमेंट। अब मैं अगले वीडियो में मिलूंगी अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।